माय नेम इज राहुल, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भूलिए। तो आज के लेसन में हम जनरल एप्टीट्यूड्स के बारे में कुछ प्रॉब्लम लेने वाली, बेसिकली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो हर बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे सिंपल प्रॉब्लम लिया है, तो आपको मैं वो सिंपल प्रॉब्लम एक सॉल्व करके दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पे एक सीरीज दी है, आपको फाइंड आउट करने का है कि नेक्स्ट क्या आने वाला। तो देखिए वो आप यहाँ पे लिखा है 4, 9, 16, 25। तो ये बहुत ही सिंपल ट्रिक्स है, इसके पीछे एक ट्रिक्स है जो आपको मैं बताऊंगा और इस ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व होने में आसानी हो जाएगी। दोस्तों तो देखिए यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो आपको एक सिंपल से बता देता हूँ, आपको 2 का स्क्वायर पता होगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। और इधर आगे पूछा इन्होंने क्या आने वाला है, तो आपको बता दूं 6 का स्क्वायर 36। तो देखिए ये ऑप्शन में सी ऑप्शन राइट है। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, एक डेमो के लिए मैंने लिया था। अगर आपको जनरल एप्टीट्यूड के बारे में अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और मैंने मेरे सेट के बारे में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं सिलेबस के, मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में देखे दे दिए है। दोस्तों अगर दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो थैंक यू, सब्सक्राइब करने के बाद आप वो घंटी पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो। Thank you.